वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को बाहरी और भीतरी व्यक्ति के मुद्दे पर हो रही बहस को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि यदि केंद्रीय मंत्री को पश्चिम बंगाल में बाहरी कहा जा रहा है तो किस स्थान के लोगों को भीतरी माना जाएगा। ठाकुर ने पश्चिम बंगाल को देश का एक अहम हिस्सा बताते हुए पूछा कि केंद्रीय मंत्री का राज्य के दौरे पर आना क्या अपराध है। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कोलकाता में अस्पताल में भर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को देखने आए थे। भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना, अगर कोई इसको कहता है बाहर से आना, तो मैं पूछता हूँ कहाँ से आने वाले को अंदर का कहा जाता है। क्या भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना गुनाह है? क्या पश्चिम बंगाल की धरती ने जो भारतवर्ष को सदियों तक ऐसे महान नेता दिए, अलग अलग क्षेत्रों में दिए, और वहीं भारत के कोने कोने से लोगों ने आकर पश्चिम बंगाल को खड़ा करने का प्रयास किया है, तो क्या वो अपराध है? क्या भारत सरकार के मंत्री को पश्चिम बंगाल में आने की इजाज़त नहीं है? बाहर का क्या है? आखिर पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पर आने का हर किसी का अधिकार है। और पश्चिम बंगाल की धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता से कश्मीर जाकर एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रह सकते, इस नारे को लेकर गए थे और उनके सपने को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।